Hi, guys, I'm Ananya Pandey. If I had one wish for Earth, it would be to save endangered species, which are on the verge of extinction. Our planet is blessed to have so many diverse species and forms of life. Unfortunately, as a result of human race's unending exploitation, some of the most beautiful species of animals have already gotten extinct or are on the verge of extinction. Why? Because we have threatened their habitat. Planet Earth is as much theirs as it is ours. Deforestation, Pollution, overpopulation, and animal cruelty are a few of the major reasons for it. We must all learn to coexist and be sensitive with our actions towards them. As we all grew up, we were all taught lessons of coexistence, kindness, and compassion in school. But putting it into execution is in our hands. So let's not forget about our fellow creatures, whom we share our home with, and make our planet a better place for them to live on. Mitron, aap कि ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे थी और वे कह रही थी कि ये पृथ्वी सिर्फ हमारा घर ही नहीं है बल्कि उन सब पशु पक्षियों का आशियाना भी है जो यहाँ हमारे साथ रहते हैं और इसलिए हमें उन हरकतों को अवॉइड करना चाहिए जिनसे उन सब जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है और दुख की बात यह है कि हम यही सब पिछले 500 वर्षों से करते आ रहे हैं आज से लगभग 500 साल पहले तक हमारी दुनिया में ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट की साइज लगभग एक करोड़ साठ लाख स्क्वायर किलोमीटर थी लेकिन हम इंसानों की विनाशकारी गतिविधियों की वजह से आज वो साइज घटकर लगभग आधी रह गई है और दुख की बात यह है कि यह विनाश आज भी रुका नहीं है आज भी हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से हर साल लगभग एक लाख साठ हजार स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट की कटाई हो रही है दुख की बात यह है कि जब भी कहीं किसी पुराने जंगल की कटाई सफाई होती है तो उस जगह का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इसी की वजह से वो वहां रहने वाले पशु पक्षियों को और अन्य लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट नहीं कर पाता जंगलों की कटाई और इकोसिस्टम से छेड़खानी करने की वजह से जब पशु पक्षियों का बसा बसाया संसार उजड़ जाता है तो उस घटना को हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहते हैं और यही आज हमारी चर्चा का विषय है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एक एनवायरमेंटल टर्म है और इसे हैबिटाट लॉस या हैबिटाट रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है और यह तब होता है जब नेचुरल हैबिटेट्स वहां रह रही प्रजातियों या स्पेशीज को सपोर्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं दूसरे शब्दों में जब किसी एक जगह रहने वाले पशु पक्षियों को उस जगह पर पर्याप्त भोजन और अन्य नेसेसरी क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिलती तो अंततः वे हारकर या तो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह में चले जाते हैं या फिर उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है इन दोनों प्रक्रियाओं से उस हैबिटाट की बायोडायवर्सिटी कम हो जाती है या पूरी तरह से खत्म हो जाती है डिस्ट्रक्शन का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं कोई भी मानवीय गतिविधि जैसे जंगलों की कटाई धातुओं और खनिजों की माइनिंग तेल कुओं की ड्रिलिंग नदियों की ड्रेजिंग या कृषि के लिए जंगलों को साफ करना या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड क्लियरिंग कोई भी इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है ह्यूमन पॉपुलेशन में निरंतर वृद्धि का मतलब है कि हमें अपने दैनिक जीवन के निर्वाह के लिए नए घर एक्स्ट्रा भोजन एक्स्ट्रा कपड़े और कई एक्स्ट्रा चीजों की आवश्यकता होती है अधिक भोजन का मतलब है कि हमें ज्यादा फसलें उगानी होंगी और उनके लिए हमें एक्स्ट्रा एग्रीकल्चरल लैंड और अन्य रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी नए मकान बनाने के लिए भी हमें अधिक भूमि की जरूरत होगी और ज्यादातर मामलों में यह एक्स्ट्रा जमीन जंगलों को साफ करके ही हासिल की जाती है और जब हम जंगलों को या मैनग्रोव को काटकर उनका सफाया कर देते हैं तो उससे वहां रहने वाले अनगिनत जीव जंतुओं के हैबिटेट का सडनली डिस्ट्रक्शन हो जाता है जनरली पहले हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन होता है और धीरे धीरे वो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का रूप ले लेता है डिस्ट्रक्शन का एक सबसे ताजा एक है इंडोनेशियाई और मलेशियाई रेन फॉरेस्ट की अंधाधुंध कटाई पिछले तीन दशकों से इंडोनेशियाई और मलय लोग अपने रेनफॉरेस्ट को साफ कर रहे हैं और उनके दो लालच हैं पहला उन रेनफॉरेस्ट की मूल्यवान लकड़ी की कटाई करना और दूसरा उन फॉरेस्ट को साफ करके वहाँ पाम प्लांटेशंस के लिए जगह बनाना जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज दुनिया भर में पाम ऑयल की जबरदस्त मांग है और हमारे देश में भी पाम ऑयल का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है और इसी ग्लोबल डिमांड के चलते इंडोनेशियाई और मलेशियाई लोग एक्स्ट्रा डॉलर्स कमाने के चक्कर में पाम ऑयल का उत्पादन जितना संभव हो उतना बढ़ाना चाहते हैं रेनफॉरेस्ट को साफ करने का सबसे आम तरीका है उन्हें आग लगाना और यह प्रक्रिया पिछले तीन दशकों से लगातार चल रही है लेकिन इस आग से उन रेनफॉरेस्ट में रहने वाले वन्य जीवों का व्यापक नुकसान हुआ है कई स्पेशीज विलुप्त हो गई हैं और ओरान आज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं प्रत्येक पाम प्लांटेशन वर्जिन फॉरेस्ट के हजारों हेक्टेयर्स को नष्ट कर देता है और उनके साथ कई ओरान की मौत भी हो जाती है और इसी प्रक्रिया की वजह से पिछले 20 वर्षों के दौरान ओरन के 80 प्रतिशत से ज्यादा ओरिजिनल हैबिटाट्स का सफाया हो गया है इसी तरह चीन में जायंट पैंडा का हैबिटेट भी लगभग नष्ट हो गया है बांस की कटाई और लकड़ी इकट्ठा कर रहे लोगों द्वारा और मेडिसिनल प्लांट्स का संग्रह कर रहे लोगों द्वारा पैंडा के पहाड़ी जंगलों की तबाही आज भी जारी है चीनी पहाड़ी जंगलों में कई मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं और उनमें से लगभग 75% का उपयोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाता है परिणाम स्वरूप हजारों चीनी लोग प्रतिदिन इन मेडिसिनल प्लांट्स को हथियाने के लिए उन जंगलों में प्रवेश करते हैं और नतीजतन उन पहाड़ी जंगलों की बायोडायवर्सिटी खत्म होती जा रही है जिसका असर जायंट पांडा पॉपुलेशन पर डायरेक्टली पड़ रहा है इसके अलावा चीन में तेजी से हो रहे शहरीकरण या अर्बनाइजेशन की वजह से भी कई जंगल नष्ट किए गए हैं परिणाम स्वरूप पेंडा के हैबिटाट का एक बड़ा हिस्सा आज गायब हो गया है यहां जब हम जायंट पेंडा या ओरान गुतानस की बात करते हैं तो हम केवल उनकी संख्या में गिरावट के बारे में ही बात नहीं करते हम उन हजारों पौधों और अन्य जीवों के विनाश के बारे में भी बात करते हैं जो उस हैबिटाट में उनके साथ रहते हैं जो उनके साथ पलते और बढ़ते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन उन इकोलॉजिकल सिस्टम्स का और उन हैबिटाट्स का सफाया कर देता है जो वहाँ रहने बसने वाले जानवरों और पौधों के लिए आवश्यक हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन न केवल व्यक्तिगत प्रजातियों को प्रभावित करता है बल्कि ये ग्लोबल इकोसिस्टम के स्वास्थ्य पर भी अवांछनीय प्रभाव डालता है और इसीलिए हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से प्रजातियों या स्पेशीज के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे पैदा होते हैं जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं हैबिटेट लॉस मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है खेती चराई माइनिंग ड्रिलिंग और अर्बनाइजेशन के लिए जंगलों और अन्य नेचुरल हैबिटेट्स का सफाया इस दुनिया में रहने वाले 80 प्रतिशत प्रजातियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करता है एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर के पेड़ों की संख्या में ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत के बाद से लगभग 46 की कमी आई है। और ये कटाई आज भी जारी है आज भी दुनिया भर में हर साल लगभग न सिर्फ लोकल के का सफाया कर देती है, वो हमारे जंगलों की कार्बन को अवशोषित करने की महत्वपूर्ण क्षमता को भी कम कर देती है और इससे हमारी क्लाइमेट चेंज को रोकने की या अवॉइड करने की क्षमता और भी कम हो जाती है जो कि पूरी मानव जाति के लिए एक भयंकर खतरा है हमारे देश में भी टाइगर्स के हैबिटाट को काफी नुकसान पहुंचा है आज से लगभग 100 साल पहले भारतीय जंगलों में 40,000 से अधिक टाइगर्स थे लेकिन हमारी जनसंख्या विस्फोट जंगलों की सफाई लकड़ी की तस्करी और सड़कों के निर्माण ने कई टाइगर हैबिटेट्स को नष्ट कर दिया है और परिणाम स्वरूप आज हमारे पास मुश्किल से दो टाइगर्स बचे हैं और यहां ये कहने की जरूरत नहीं के टाइगर्स की संख्या में कमी हमारे जंगलों की दुर्दशा का सबसे बड़ा सबूत है तो मित्रों, ये तो मित्रों था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पर एक छोटा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि इससे आपको अपने आसपास हो रहे है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रोकने में मदद मिलेगी अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर तो कृपया उसे मिस न करें तब तक कुछ नया सीखते रहें सिखाते रहें और अपनी ज़िंदगी संवारते रहें